नमस्ते, वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच चैनल। ये रीडिंग हो रहा है वर्गो राशि के लिए। कन्या राशि का अगस्त सितंबर मंथ कैसे जाने वाला है। सो आपके करियर के लिए पॉजिटिव कार्ड है। आपका ट्रैवलिंग होगा और ऐसी प्लेसेस पे आप जाएंगे जहां आप जाना चाहते थे। आपको इमोशनल कंटेनमेंट मिलने वाला है आपके करियर में। आप अगर जॉब में हैं तो भी आपका ट्रैवलिंग होगा, बिजनेस में है तो भी आपका ट्रैवलिंग होगा और आप खुश रहेंगे। एक इमोशनल हैप्पीनेस आपको मिलेगा और आपका जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। एक खुशी आपके अंदर रहेगी और आप एक अच्छे एंथुसियाज्म से अपना काम करेंगे। आपके फाइनेंस के लिए जितनी आपने मेहनत की है उतने पैसे आपको मिलने वाले हैं और जहां से भी आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होंगे। अगर कुछ लीगल केसेस हैं तो वो भी आपके फेवर में होंगे और मनी दिख रहा है, हर एक जगह से मनी आने के चांसेस हैं। लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन सीखना है और आपको ग्रीड नहीं रखना है। जितना आपने टारगेट रखा था उतना पैसा आ गया है तो उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने थॉट्स को चेंज करना है, अपने थॉट्स को कहीं और फोकस करना है। आप जितनी लोगों की हेल्प करेंगे उतना ज्यादा आपके पास पैसा आने वाला है। आप हेल्प करें, चैरिटी करें, अपने से जो कम लकी पीपल हैं, आपसे जो कम लकी पीपल हैं उनको आप हेल्प करें। रिलेशनशिप में अगर आप डोमिनेट कर रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। अपने पार्टनर को उतनी ही रिस्पेक्ट दें, अपने पार्टनर के फीलिंग्स को समझें और जितना हो सके एक इमोशनली आप अपने पार्टनर से जो आपका व्यवहार है वो दिल से रखें, दिमाग से नहीं। यहाँ पर कार्ड दिखाता है कि आप टू मच डोमिनेट कर रहे हैं और आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे डाउट्स करते हैं और एक किंग के जैसा आपका, एक जो कंट्रोलिंग किंग होता है उसके जैसा आपका बिहेवियर है जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। सो यहाँ पर चीजें सेपरेशन तक जा सकती हैं, डिवोर्स तक जा सकती हैं अगर आपने आपका रवैया चेंज नहीं किया। कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है कि आपके गुरु के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं और आप का जो फोकस है आपके गोल तक पहुंचने का है। वेदर इट्स करियर, वेदर इट्स फाइनेंस, रिलेशनशिप में भी अगर आपका गोल है कि पॉजिटिव रखना है रिलेशनशिप को तो आप उस तरफ जा रहे हैं और आपका हेल्थ इसीलिए पॉजिटिव है। और आपको एडवाइस किया जाता है कि आप एक आपके गुरु के मंदिर को विजिट करें और उनके ब्लेसिंग्स लें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में, जैसे यहाँ पर टैरो दिखा रहा है, तो आप अपने गुरु से डिस्कस जरूर करें। जो भी इनकम्प्लीट टास्क हैं आपके लाइफ के उनको आप कम्प्लीशन की तरफ लेकर जाएं। आपके पास अगर कोई आते हैं एडवाइस के लिए तो कन्या राशि वालों को उनको एडवाइस जरूर देना है। वो ब्लेसिंग्स भी आपको हेल्प करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि आपने दूसरों का बर्डन भी अपने ऊपर लेकर रखा है। तो दूसरों को एडवाइस देना है बट उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। और जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने बैठते हैं तब जो भी दूसरे लोग हैं उनसे डिस्कनेक्ट करना है, कॉर्ड कटिंग करना है और अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे आपको ध्यान देना है। और कई बार ऐसे होता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन दूसरे लोग आपके साथ रेडी नहीं है, तो आपको इंडिपेंडेंट बनना है। उनका बर्डन आपको नहीं लेना है, उनको इग्नोर करना है और अकेले आपको या जो रेडी है उनको लेकर आपको आपकी जर्नी को आगे लेकर जाना है। और नेक्स्ट कार्ड आता है आपके प्रोजेनी के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है कि अगर आप बहुत ही इमोशनल हैं टुवर्ड्स योर प्रोजेनी, आपको चाइल्ड चाहिए, तो अगस्त सितंबर मंथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ सकती है। बट यही है कि आपका जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आप चेंज नहीं हो कन्या राशि वाले, आपको चेंज नहीं होना, एक फर्म डिसीजन रखना है तो नेचर भी आपका सुनेगी और आपको बच्चा गिफ्ट जरूर करेगी। आपके एजुकेशन के लिए नेगेटिव कार्ड है कि बहुत सारा अंधेरा है, आप आपका रास्ता आगे का देख नहीं सक रहे हो और बहुत ही आपको ऐसे लग रहा है कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो भी फील्ड आपने चूज किया आप उसमें खुश नहीं हैं। सो यहाँ पर आपको एडवाइस किया जाता है कि एक आप किसी कंसल्टेंसी काउंसलिंग लें और अपना
जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। अगर आपने रॉन्ग फील्ड ली है तो इमीडिएट उसको चेंज करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। और जो अगर सब्जेक्ट्स आपको नहीं समझ रहे हैं या जो भी चीज़ों के लिए आप श्योर नहीं हैं, तो आपको एडवाइस ज़रूर लेना है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। एक इल्यूजन में आप जी रहे हैं कि आगे जाके सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपके लव अफेयर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि आप अपने पार्टनर को बहुत ही खुश रखेंगे, आप अच्छा पैसा स्पेंड करेंगे, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और दोनों मिलकर अच्छा एंजॉय करने वाले हैं अगस्त सितंबर मंथ में, और रिलेशनशिप जो है वो आपका कमिटमेंट तक जा सकता है, और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही लॉयल रहेंगे। और जो भी आपके इश्यूज हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं एक दूसरे के लिए, वो आप बैठकर डिस्कस करने वाले हैं, और आपकी नेगेटिविटी जो है आपके लव अफेयर में वो पॉजिटिविटी में टर्न होने वाली है। सो कन्या राशि के लिए ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं, सिर्फ आपके रिलेशनशिप में आपको आपका रवैया थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, अपने पार्टनर के तरफ से भी सोचना है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है क्या। आपके लिए एंजल कार्ड मैसेज है स्वामी समर्थ जी का, तो यहाँ पर मैं एडवाइस करूंगी आपको, अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही है या फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है या आपके एजुकेशन में आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है, सो आप स्वामी समर्थ जी का जो टेम्पल है अक्कलकोट में उसको विजिट जरूर करें। और यहाँ पर आया है कि वेन यू नी डाउन टू गॉड ही स्टैंड फॉर यू एंड वेन ही स्टैंड अप फॉर यू नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। अगर आपको लगता है कि लोग आपके अगेंस्ट हैं तो आपको इनके स्वामी समर्थ जी के शरण लेना है, वहां पर आपको घुटने झुकाने हैं, और अगर आप उनके तरफ झुक जाते हैं और वो आपके साथ खड़े रहते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा। और आप दत्तात्रेय भगवान को भी वर्शिप कर सकते हैं और थर्सडे का फास्ट आप रख सकते हैं, इससे भी आपका जो रिलेशनशिप है और आपका जो एजुकेशन है या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो पॉजिटिव होगा। सो आई होप कन्या राशि वालों को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।